बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी स्वीट डिश। तो आप भी देखिए, ये मैंने दूध लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं। दूध है, इसको मैं अभी बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के बाद मिलते हैं कि आगे करना क्या है। हमारा दूध बॉईल होने लगा, हम इसमें एक डिश का चमचा है, थोड़ी सी शुगर अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से डाल रही है। ऐड करिए शुगर। ऐड करने के बाद इसमें मैं वनीला कस्टर्ड, वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड है मैं वो ऐड करूँगी। ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, कोशिश करिएगा कि थोड़ा गाढ़ा ही हो जाए। थोड़ा हम इसको पकाने इसमें ऐड करते हैं। मेरा तैयार हो चुका है। आग जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं उसके बाद बताती हूँ ठंडा होने के बाद हमने करना क्या है। ये हमारा कस्टर्ड है जो रेडी है, हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। क्रीम का पैकेट है मेरे पास, मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी इसमें और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसको क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास डिश है, तो इसमें मैं ये जो प्लेन केक है ये ऐड करूँगी। ये देखें, इसमें मैंने प्लेन केक ऐड कर दिया है। अब मैंने मैंगो कट करके रखा हुआ है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें जो मैंने क्रीम वाला केक बनाया है वो कस्टर्ड बनाया है क्रीम वाला, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा पहले ऊपर से डाल दूँगी इस तरीके से। फिर इसमें मैं मैंगो ऐड करूँगी थोड़ा सा ऐसे बीच में सेंटर में, और टेस्ट ही अलग आता है मैंगो का। फिर मैं इसके ऊपर और कस्टर्ड ये पूरा ऐड कर दूँगी। जेली ली है मैंने और जेली के मैं क्यूब्स कर लूँगी। मैं मैंने जेली डाली इसमें से, आप क्या मेहमान आ रहे हो, कुछ भी हो, आपने अर्जेंटली ये बना लिया, ये इजीली।